सिरोंज के राज अस्पताल को मेडिकल ऑफिसर और राजस्व विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए आज सील कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले इस अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला को ब्लड की जरूरत थी। इसको लेकर रक्तदान दाता रजत सक्सेना को बुलाया गया। जब रजत ने महिला के पति से बात की तो पति ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा ब्लड को लेकर उससे 8,000 रूपए जमा करवा दिए गए हैं, लेकिन दानदाताओं की तरफ से जरूरतमंदों को ये रक्त निःशुल्क रूप से दिया जा रहा है। इन सबसे गुस्साए रजत ने अस्पताल के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक रिंकू सुमन ने अनुविभागीय अधिकारी को लिखित शिकायत की थी। कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की थी और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी अंजलि शाह द्वारा 5 लोगों की टीम गठित की गई और टीम ने मौके पर जाकर अस्पताल पर सील करने की कार्रवाई की। सील करना तो एक प्रशासन द्वारा डे केयर सेंटर को सील किया गया है, लेकिन वो प्रशासन द्वारा एक तरीके की लीपापोती की गई है, जिससे संपूर्ण सरोई नगर वासियों को ज्ञात है कि सील करना समस्या का हल नहीं है, जबकि ब्लड डोनेट सरोई नगर में नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके की इनके पास कोई परमिशन नहीं है, इनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, यही हम प्रशासन से मांग करते हैं। यदि प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होता तो आगे भी आंदोलन करने के विवश होंगे। एक लोगों से शिकायत आई थी कि वहाँ पे शायद कोई ब्लड डोनेशन के लिए लगाया गया था, ब्लड के लिए पैसे मांगे गए जी। तो संदर्भ में हम कार्रवाई करने गए थे वहाँ पे नर्सिंग होम में, मैं गया था और मेरे साथ तहसीलदार मैडम गई थी। तो वहाँ पे उनके पास रजिस्ट्रेशन तो था नहीं, एक्सपायर हो गया जी। तो रजिस्ट्रेशन और